और दोस्तों मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग से रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स और उनका शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इसका टाइप्स देखते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग से रिगार्डिंग कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम टाइप फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। इसका नाम है नंबर ऑब्लिक सिंबल कोडिंग। इसका नाम है नंबर ऑब्लिक सिंबल कोडिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को कोई नंबर दिया होगा और उसका जैसे कि नंबरिंग दिए रहते हैं, जैसे कि ए अल्फाबेट का क्या होगा 1 हो गया, और बी का क्या हो गया 2 हो गया, सी का क्या होगा 3 हो गया। इस तरह से क्या होगा, A to Z होगा। तो हम लोगों को क्या होगा, इसका नंबरिंग हमको याद रखना होगा। तो नंबरिंग को हम कैसे याद करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो कि क्या कहते हैं कि वो नंबरिंग याद नहीं करते हैं और सीधा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। वो ABCD जब भी न्यूमेरिकल होता है तो ABCD पूरा लिखते हैं, वो Z तक लिखते हैं, फिर उसका नंबरिंग लिखते हैं 1 का 2, B का 2 हो जाएगा, C का 3 हो गया, D का 4 हो गया। इस तरह से वो नंबर 26 तक लिखते हैं, फिर क्या है, फिर न्यूमेरिकल को इस तरह सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, हम लोगों को टाइम क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ ऐसा ट्रिक देख लेते हैं ताकि हम लोगों को याद ना करना पड़े और याद हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कुछ ट्रिक्स देखते हैं। तो हम लोगों को किस तरह से याद रखना है कि A1, तो हम लोग कैसे रखते हैं, जैसे A1 हम लोगों को याद रखता है तो क्या A का 1 हो गया, B 2, या फिर क्या होगा A1 2B, तो क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा, C 3, तो C का 3 किस तरह से याद रखना है आपको, C ये हो गया, फिर इसको डबल C बना दो और इसको इसका मिरर इमेज ले लो तो क्या होगा 3 बन गया। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। और ये क्या होगा D हो गया, तो यह होगा D का 4 हो गया, क्योंकि क्या होता है 4th डायमेंशन। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और आपको एक नंबर याद रखना है EJOTY, तो EJOTY का क्या होगा, E का होगा 5, फिर J का होगा 10, O का होगा 15 और T का होगा 20 और Y का हो जाएगा 25। तो आपको ये नंबर याद रखना है केवल EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। तो E नंबर आएगा तो E का क्या होगा 5 हो जाएगा, EF क्या हो जाएगा फिक्स हो गया, तो फिक्स का क्या होता है 6 हो गया, ये क्या होगा फिक्स, तो इस तरह से आता हमारा 6 है। F हो गया, फिर क्या होगा G, तो G को क्या लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं G 7, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि G को हमने इस तरह से लिखा, तो यहाँ पर क्या होगा 7 आ गया। अब GH इस तरह से नंबर लिख लेते हैं GHIJKLM NOPQRSTUDWXY, ये आपका यहाँ पर हो गया ये Z। तो इस तरह से हमने नंबरिंग लिख लिया इसका। अब H को किस तरह से याद रखना है, H का क्या 8 होता है, H से क्या हो गया हमारा हाइट, HEIGHT, तो उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, क्या होगा कि H से हाइट होता है और हाइट में क्या होगा 8 आता है, EIGHT, तो इस तरह से H का 8 हो गया। और आई को हम किस तरह से लिखते हैं, आई को इस तरह से हम लिखते हैं आई, तो आई का 9 हो गया, इस तरह से याद करेंगे। और फिर जे आ गया आपका, तो जे क्या होगा, जे का 10 है, तो हमको EJOTY को इसको याद रखना है, तो ये नंबर हमको याद हो जाएंगे। के का क्या हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, तो क्या किंग्स 11 पंजाब एक क्रिकेट टीम है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। ये किंग्स 11 पंजाब हो गया। एल का क्या हो गया 12, जैसे क्या हो गया, जैसे हम उच्चारण बोलते हैं एल हो गया, तो इस तरह से हमारा 12 आता है, तो एल 12 हो गया। और एम क्या हो गया, एम का होता है मिड, मिड मीन्स क्या होगा अल्फाबेट का मिड, तो ये क्या मिड में 13 हो गया, क्योंकि अल्फाबेट में टोटल नंबर्स कितने होते हैं 26, तो ये क्या मिडिल नंबर होता है, तो 13 हो गया। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो इस तरह से हम 14 याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर ओ आ गया, तो ओ का कितना हो गया 15 हो गया। और आपका क्या होगा, इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ छोटा सा, कि आपको क्या रखना है कि एक साम्राज्य था, वहाँ पर क्या था कि ये राजा, एक राजा था, तो राजा की एज कितनी थी 18 ईयर्स एज थी, 18 साल का ये क्या यहाँ पर राजा था, उसकी रानी थी, तो रानी क्या होगा राजा से छोटी होगी, तो ये क्या होगा 17 साल की इसमें क्वीन थी, क्यू मतलब क्वीन, 17 ईयर के क्वीन, उनका एक बेटा था वो 16 साल का प्रिंस था, पी मिस प्रिंस हो गया, तो पी 16 हो गया, क्यू 17 हो गया, आर 18 हो गया, और उनके पास 19 सोल्जर थे, ये एस मतलब हो गया सोल्जर, और टी मतलब मिलकर 20-20 खेलते थे। तो आप इस तरह से ये कहानी याद रख सकते हैं और ये नंबरिंग याद रख सकते हैं कि 18 साल का राजा था,
17 साल की रानी थी और 16 साल का प्रिंस था और उनके पास 19 सोल्जर थे और मिलकर 20-20 खेलते थे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और यू और वी हो गया, तो यू वी के लिए आपको याद रखना है अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट हो गया, तो अल्ट्रा इसका क्या हो जाएगा 21, इसका 22 हो गया, आपको ये याद रखना है। फिर डब्लू, डब्लू में क्या हो गया, डब्लू का होगा 23। कैसे, अब डब्लू ये इस तरह से दिया हुआ है तो इसको हम ये थ्री टाइप का दिया हुआ है, थ्री। तो थ्री में क्या होता है, ये थ्री आता है तो सी का थ्री हो गया, और 13 आ सकता है तो 13 का हमारा मिड का हो गया, एम से 13 हो गया, तो अब क्या बचा 23 बचा, तो डब्लू से 23 हो गया। एक्स का क्या होगा 24 हो गया, एक्स मतलब क्या होगा, यहाँ पर फोर वे दिया हुआ, फोर वे। जैसे कोई चौराहा ले लो, हमारे पास कोई भी चौराहा है, वहाँ पर हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि वहाँ पर 24 घंटे भीड़ रहता है या 24 घंटे ट्रैफिक रहता है, तो इसको एक्स का होगा 24 हो गया। वाई क्या होगा 25 हो गया, इससे याद रख सकते हैं, ईजी से 25 हो गया, वाई हो गया। और जो हमारा आर अब हो गया जेड, जेड का क्या होगा 26 हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये अल्फाबेट्स को याद रख सकते हैं। आप एक बार इसे लिखेंगे और याद करेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। तो आपको क्या होगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली उसका एबीसीडी लेकर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। जैसे कि हम फिर से कर सकते हैं, A1 हो गया, 2 B C 3 और 4th D E 5 E 0 D आप याद रख लीजिए। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। फिक्स का 6 हो गया, फिक्स 6 हो गया, जी का 7 हो गया, एच 8, आई 9, जे 11। इस तरह से आप ये नंबरिंग याद कर सकते हैं। और आपके लिए इसके लिए आपको एक स्टोरी याद कर लीजिए तो आप ये नंबरिंग याद कर सकते हैं। और टी का तो यहाँ पर आ जाएगा, ई जो टी का 20 और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से तो आप ये याद कर सकते हैं। इससे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं जिससे कि ये हम लोग समझ सकें कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए हम कुछ इससे रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिसमें अल्फाबेट की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जैसे इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि हम E को 5 ले सकते हैं, इक्वल टू 5, और PEN पैन इक्वल टू ले सकते हैं 35। तो इस लैंग्वेज में हम पेज को क्या लिखेंगे, और हमारे पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 27, बी ऑप्शन दिया हुआ है 28, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 29, और डी ऑप्शन दिया हुआ 36। तो हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि किसी लैंग्वेज में E को लिखा हुआ है 5, E को उसने 5 लिखा हुआ है, पेन को PEN को 35 लिखा हुआ है, तो पेज उसमें कौन सा नंबर होगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कि E जो T होता था, E J O T बाई नंबरिंग देते थे, तो E को क्या लिखते थे 5, J को लिखते थे 10, O को लिखते थे 15, और T को लिखते थे 20, और Y को लिखते थे 25। इस तरह से लिखते थे, तो E की वैल्यू क्या होती थी 5। तो हमारा E कितना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, मिल गया। अब PEN, तो PEN का हमें नंबरिंग देना है, P में क्या होता है, प्रिंस हो गया, प्रिंस कितने साल का था, 16 साल का प्रिंस था, प्लस E कितना है, ये 5 है, प्लस N कितना होगा, नाइट्रोजन का हम 14 दे देते हैं, तो ये कितना होगा, दोनों सबको जोड़ेंगे तो ये 35 हो गया। तो इस तरह से हमको ये समझ लेना है कि ये नंबरिंग के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग दिया हुआ है और उसको इस हिसाब से जोड़ दिया हुआ है। पेन दिया हुआ है तो इनको क्या है, जो नंबरिंग दिया हुआ है और उसको ऐड कर दिया गया है। इस तरह से हम क्या पेज का निकालेंगे, तो हम निकालेंगे पेज का PAGE। तो हमने देखा पी क्या होगा, पी का नंबरिंग क्या है अल्फाबेट में, पी का हम डायरेक्ट याद कर लिए हुए हैं कि पी का प्रिंस क्या है, 16 साल का प्रिंस था। अब ए अल्फाबेट ए का क्या हो जाएगा, A1, और जी का क्या हो जाएगा, ये 7, तो ये क्या होगा 7, क्योंकि जी में हम 7 लिखते हैं, और ई हो गया, ई जो टी का ई हो गया, तो ये कितना होगा 5 हो गया। तो हम इसको क्या यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इस न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ था, तो इससे हम लोगों ने लॉजिक से इसको जोड़ देंगे, तो कितना होगा 16 1 17 17 और 7 17 7 कितना होगा 24 5 29। तो हमारा क्या 29 आंसर होगा, सी इसका आंसर क्या है, सी। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसी तरह से एक न्यूमेरिकल और हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है कि अगर हम लोग मशीन MACHINE मशीन को किसी कोड में लिख देते हैं 19
सेवन नाइन फोर्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी और इलेवन। हम इसको मशीन को ये लिखते हैं तो डेंजर को, हम डेंजर को इस लैंग्वेज में क्या लिखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि मशीन को ये नंबरिंग दिया हुआ है तो डेंजर को क्या नंबरिंग देंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होगा एम, तो हम सबसे पहले नंबरिंग देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं हमको डेंजर लिखना है तो हम डेंजर को इधर लिख लेते हैं डी एन जी ई आर, डेंजर का हमको नंबरिंग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एम, एम का नंबरिंग क्या होता है एम मिड, मिड मीन्स थर्टीन, ये थर्टीन आता है और लेकिन हमारा क्या दिया हुआ है नाइनटीन दिया हुआ है, तो थर्टीन में कितना जोड़ा इसने प्लस सिक्स कर दिया तो ये नाइनटीन हो गया। ठीक है, अब ए, ए का क्या होता है वन होता है, वन में उसने क्या किया प्लस सिक्स किया तो ये सेवन आ गया, और सी, सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू होती है थ्री, अब थ्री में उसने क्या प्लस सिक्स किया तो ये क्या हो गया प्लस नाइन, तो ये क्या हो गया नाइन हो गया। मतलब क्या है कि जो इनका नंबरिंग है जो ओरिजिनल नंबरिंग है उसमें प्लस सिक्स को ऐड कर दिया तो हमारा ये नंबरिंग मिल गया। जैसे क्या होगा एच हो गया, एच का क्या होगा एट हो गया, एट में क्या होगा प्लस सिक्स किया तो फोर्टीन मिल गया। इस तरह से आई, आई का क्या होता है नाइन हो गया, नाइन प्लस सिक्स क्या होगा फिफ्टीन हो गया, और एन क्या होना है फोर्टीन होता है, फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी हो गया, ई का कितना होता है फाइव होता है, फाइव प्लस सिक्स ये इलेवन हो गया। तो हम लोगों को लॉजिक बन गया यहाँ पर कि जो अल्फाबेट्स का ओरिजिनल नंबरिंग है उसमें से हमने प्लस सिक्स कर दिया तो हम लोगों को ये नंबरिंग दिया हुआ है। तो इस तरह से हम डेंजर का भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है इसका ओरिजिनल लिखना है, तो डी का क्या होता है फोर से डी तो फोर आ गया, ए का हमारा क्या आ गया वन आ गया, एन नाइट्रोजन का फोर्टीन और जी का सेवन आ गया और ई का फाइव आ गया और आर राजा, राजा क्या एटीन ईयर का राजा था। अब प्रत्येक नंबर में हमको क्या कर देना है प्लस सिक्स कर देना है। ठीक है, तो अब प्रत्येक नंबर में हम क्या कर देंगे प्लस सिक्स कर देंगे, और हम लोग लिख देंगे क्या होगा चार छह कितना हो गया ये दस हो गया, ये नंबरिंग टेन हो जाएगा फिर डैश, फिर क्या वन प्लस सिक्स ये क्या होगा सेवन हो जाएगा, फिर डैश चौदह और छह कितना हो जाएगा ट्वेंटी, फिर क्या होगा और सात और छह कितना हो गया तेरह, फिर ये क्या होगा पाँच दस ये इलेवन हो गया, फिर क्या था अठारह और छः बीस चार चौबीस हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा कि किसी लैंग्वेज में मशीन को ये कोडिंग से इसने रिप्रेजेंट किया तो उस लैंग्वेज में डेंजर को हम इस लैंग्वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी कोडिंग और डिकोडिंग से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप अगले वीडियोज में देखेंगे। अगर आपने मेरे वीडियोज को, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।